शाह साहब, मैं वही क्वेश्चन अपना रिपीट कर लूं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है बातचीत, और यहाँ भी हम सुन रहे हैं कि कोई कमेटीज बन रही हैं चार चार मेंबर्स की दोनों तरफ से, क्या आप लोग इस बात पे तैयार हो रहे हैं कि आप आएंगे रैली करके चले जाएंगे, कि इस बात पे कायम है कि आएंगे और धरना देंगे जब तक इलेक्शन डेट नहीं मिलती, रिगार्डलेस के कहाँ पे बैठते हैं आप? मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ मालिक जी। ये है, हमने हत्तुल वसा कोशिश की है और कर रहे हैं कि हमारा मार्च जो है वो पीसफुल रहे और अमन रहे। हुकूमत ने भेजा, गिरफ्तारियां की हैं, कंटेनर्स किए हैं, रुकावटें डाली हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से हमने रजू किया है इस तवक्को से ये जो हमारा आईनी हक है वो हमें दिया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, हम इस्लामाबाद आएंगे, आएंगे, हम ये आज इलेक्शनों का फैसला कर लें, असेंबली डिसॉल्व करने की इलेक्शनों की तारीख का तयन कर लें, हम हुकूमत के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी गुफ्तगु करने के लिए तैयार हैं। अगर ये कहते हैं जैसा करके मुंतशिर हो जाए, ये गलत कह रहे हैं। शाह साहब, आउटर लिमिट क्या है इलेक्शन डेट की, कि आप क्या कहते हैं कि हर कीमत पे इसी साल में इलेक्शंस हो, या गवर्नमेंट अगर जनवरी फरवरी की डेट देती है उस पर भी बात हो सकती है, ये कोई डेडलाइन है आपकी इस पे? भाई नहीं है, मुल्क डूब रहा है, इकॉनमी डूब रही है, इनके ये बात बात की बोली है, इनके पास कोई यकसुई नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। मुस्लिम लीग नून की कयादत ये फैसला कर चुकी है इलेक्शन कराने का, इस वक्त उनके कोलिशन पार्टनर बिलखसूस पीपल्स पार्टी इनको बेवकूफ बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। इस वक्त एक स्मूथ इलेक्शन की तरफ और ट्रांजिशन की तरफ जो मुस्लिम लीग नून कह रही है, कुछ उनके कोलिशन पार्टनर्स उनके रास्ते में रुकावट है। नवाज शरीफ साहब मुत्तफिक हैं इलेक्शन हो जाए, और पूरी मुस्लिम लीग की तरफ कह रही है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो जिन्हें आप न्यूट्रल्स कहते हैं वो भी एग्रीड है इलेक्शन के हवाले से? समर अगर इजाजत दें, शामत को आप न्यूट्रल्स कहते हैं वो भी एग्रीड है इलेक्शन के हवाले से? वो गारंटी वहां से भी आपको आई है? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिन्हें आप न्यूट्रल्स कहते हैं क्या वो भी इस चीज पे कन्विंस्ड है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन हो जाना चाहिए? आपकी कोई बातचीत पर आधार है? मुल्क दी ओनली सेंसिबल वे आउट इज एन इलेक्शन, और ये समझते हैं कि और कोई रास्ता है तो गलत ही में है मेरे भाई। मुल्क का इदारों का नुकसान हो रहा है दिन ब दिन, आप देख रहे हैं इकॉनमी टैंक कर रही है। शामत कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ओवैस तौहीद बात कर रहा हूँ सर। ये फरमाइएगा कि जाहिर बात है कि इस वक्त की मखलूत हुकूमत से बातचीत की सूरत नज़र नहीं आती इस पोलराइज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर, तो जो एक प्लॉजिबल सोल्यूशन लगता है ये कि तसीफ़ फरमा दीजिए अगर गलत हो, कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करे और वो फिर हुकूमत जो है उसको ये ऐलान करना पड़े इंतखाबात का। That's what your party is looking at? नहीं देखिए, असल में तो इलेक्शन का फैसला वजीर आजम ने करना है, आईनी अख्तियार उनके पास है, वो आज फैसला कर अपनी डिस्क्रिशन में असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, सदर को खत लिख सकते हैं, और इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है वो किक इन कर जाएगा और इलेक्शन आएंगे विदिन 90 डेज। अब रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि शहबाज शरीफ की कोई सुन रहा नहीं है, उनके अपने जो हलीफ हैं वो नहीं सुन रहे, उनके एजेंडा मुख्तलिफ हैं, उनके अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं और मुल्क की जरूरियात को उन्होंने पसे पुख डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है लॉन्ग मार्च के हवाले से इस पे। जी जी जी, आप सवाल कर सकते हैं, और ये खबर भी साथ दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है पीटीआई लॉन्ग मार्च के हवाले से।